पलवल जिला लघु सचिवालय के पार्क में सुबह सैर करने गए 45 वर्षीय व्यक्ति की गोलियों से छल्ली कर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 18 राउंड गोलियां चलाई जिनमें से 14 गोली मृतक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया गया है कि गैंगवार के चलते हत्या की गई है। सूचना मिलते ही कैंप थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर एक नामजद सहित कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल कैंप थाना प्रभारी भीम सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि गांव कुजलीपुर स्थित लघु सचिवालय पार्क में एक व्यक्ति की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां पर गांव कुजलीपुर निवासी धर्मवती मिली। धर्मवती ने बताया कि वह सुबह 5 बजे के करीब अपने पति ओमपाल के साथ सैर करने के लिए पार्क में आई थी। पति पत्नी जब सैर कर रहे थे तो दो युवक आए और आते ही पीड़िता के पति ओमपाल पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस को मौके पर 18 गोली कारतूस बरामद हुए तथा 14 गोली मृतक ओमपाल को लगी हुई थी। पुलिस ने मृतक ओमपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक ओमपाल के पुत्र मन्नू व गांव धमाका निवासी अंकित के बीच गैंगवार को लेकर रंजिश चल रही आ रही है, जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को चैलेंज भी किया हुआ है। वर्ष 2018 में मन्नू जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ था तो उसी दौरान मन्नू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकित के पिता ओम प्रकाश की हत्या कर दी थी। अब अंकित जेल से जमानत पर आया हुआ है और उसी रंजिश के चलते अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर मन्नू के पिता ओमपाल की हत्या की है। इससे पहले भी ये 2-3 हत्याओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर अंकित व उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 6 बजे ऐसी सूचना मिली थी कि अपने कोर्ट परिसर में जो पार्क है उसमें किसी अननोन व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जो मैं मौके पर पहुंचा तो वहां ओमपाल की डेड बॉडी पड़ी थी, उसके साथ उसकी धर्मवती प्रेजेंट थी। धर्मवती ने स्टेटमेंट दी, उसके मुकदमा दर्ज कर दिया है। रेड पार्टी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए रवाना कर दी गई है और मैं पोस्टमार्टम के लिए। जिन्होंने गोली चलाई कितने लोग थे और किसका सवार होकर आए थे? 2 आदमी तो थे, लेकिन और भी हो सकते हैं वहाँ, लेकिन 2 तो थे ही थे जो देखे गए, बाकी का तो पता नहीं, और भी उनके साथ हो सकते हैं। कंप्लेंट में क्या आरोप लगाया? आरोप ये इनकी रंजिश थी और भाई उसके तहत इसके जानबूझ के हत्या की गई है। जो मारने वाला जो पहचान हुई है? हाँ हुई है पहचान। कौन है सर? बताएंगे उसको, अंकित नाम का धामा का गाँव। हाँ ओमपाल कुशलीपुर गांव। उम्र लगभग 50-51 साल। क्या काम है जी? काम क्या करता? अपना घरेलू काम, जमींदार का काम। रंजिश जैसे बता रहे हैं, किस तरह की रंजिश? इनकी कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है।